हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 36 चेस्ट साइज में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और सिलाई सीखेंगे। इसे डीप नेक पे बनाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने सब्यसाची के पैटर्न का ब्लाउज कट किया था, पर हमने कटिंग उसमें नहीं बताई थी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा था। पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कटिंग करी थी। इसमें हम पूरी डिटेल की वही कटिंग बताएंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने जो कपड़ा लिया है साड़ी के ब्लाउज का कपड़ा है, हमने लेस को निकाल दिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने पेपर लिया है और ये लाइनिंग हमने 80 सेंटीमीटर की ली है। फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। सबसे पहले एक लाइन मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर हाफ इंच हुकाई का ले रहे हैं फ्रेंड्स मार्जिन, क्योंकि ये जो बैक पार्ट है ओपन रहेगा, फ्रंट से फोल्ड रहेगा, तो हाफ इंच हमने बैक साइड हुक आई का ले लेना है। ब्लाउज की टोटल लेंथ 13 तैयार है। 1 इंच प्लस करके हमने 14 इंच लिया है। गला 11 इंच डीप रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमने आर्म होल हमने 5.5 इंच लिया है। गले के डीप के अकॉर्डिंग ही हम चेस्ट, आर्म होल, शोल्डर की मार्किंग करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार 13 इंच है। इसमें जो हम पीछे डिजाइन बनाएंगे वो बांधने वाली डिजाइन रहेगी, तो उसकी पट्टी 2 इंच की रहेगी। तो हम 13 से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा गला 11 इंच आएगा। तो इसी 11 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर आर्म होल लेना है। सारा नाप बॉडी का है, तो देखिए बॉडी के नाप से शोल्डर हमारा 15 इंच आया था, उसका हाफ हमने 7.5 इंच लिया है। तो यहाँ पर हम 2 से 2.25 इंच शोल्डर को कम कर देंगे। आप 2.5 इंच तक कम कर सकते हैं, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा डीप है। तो इस तरीके से हमारा 2.25 इंच पर शोल्डर आ गया है। यहाँ पे भी हम 2.25 इंच नाप के इस लाइन को सीधी मार्क कर लेंगे। और अब देखिए, हमने चेस्ट लेना है। चेस्ट फ्रंट बॉडी के नाप से 36 इंच आया था, तो अब यहाँ पर गला हमारा 11 इंच डीप हो गया है, तो हम चेस्ट में भी माइनस करेंगे। आप पौना इंच तक माइनस कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर रहे हैं, यानी 9 इंच की चेस्ट को 8.5 इंच पर लगा रहे हैं। आप 8.25 तक भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं, परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1/2 इंच कम करके 8.5 इंच चेस्ट का ले लिया है और 2 इंच का हमने यहाँ से मार्जिन लिया, जहाँ से हमने 8.5 इंच का मार्क लगाया था। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आर्म होल की लाइन को इस तरह से हाफ करेंगे। इसे सिर्फ आपको जो ये आप मार्क लगा रहे हैं, इसे सिर्फ डीप नेक पे करना है, जब गला आपका 9, 10, 11, 12 डीप पे हो, बाकी 8 से कम गले पर नहीं करना है। 1/2 इंच बाहर की साइड करके हमने देखिए इस तरह से एक लाइन मार्क कर ली है। शोल्डर जब हमारा कम होता है तो हमें इसी तरह से करना होता है। आप किसी भी साइज में इस तरह से 1/2 इंच बाहर की साइड करके लाइन मार्क करके आर्म होल का शेप दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल का परफेक्ट शेप दे दिया है। डीप नेक गला है, इसलिए हम 1/2 इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन करेंगे। ये कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के ब्लाउज की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी ब्लाउज परफेक्ट बनेगी, क्योंकि बैक पार्ट ही हमारा मेन होता है। बैक पार्ट के गले के अकॉर्डिंग हमने सारी मार्किंग यहाँ पर आपको बता रहे हैं। कमर देखिए फ्रेंड्स 30 इंच है, उसका चौथाई हमने लिया 7.5 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेना है, और इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 11 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग हमने सारी मार्किंग कर ली है। ये मार्क हमने जो 1/2 इंच कम किया था चेस्ट का, उसका मार्क है। और अभी ये जो गला, इसमें हम बनाएंगे वी शेप में बनाएंगे फ्रेंड्स, तो गले को बाद में शेप दे देंगे। अभी हम बैक पार्ट को मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे इसी बैक पार्ट को रख के। आप चाहे तो अलग से फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर सकते हैं फ्रेंड, पर बैक पार्ट को रख के मार्क लगाने से थोड़ा सा आसानी हो जाती है, काम जल्दी हो जाता है। तो आप जैसा चाहे उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा हमारा बैक पार्ट है सेम हमने उसे उतार लेना है। और यहाँ पर गले की चौड़ाई जो हम रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे। 3 इंच गले को रखने के बाद हमारा जो शोल्डर आ रहा है वो 2.25 इंच आ रहा है। तैयार शोल्डर हमारा, शोल्डर की पट्टी जो तैयार आएगी वो 2.25 इंच की आएगी, यानी 1.75 इंच पे। और इसमें भी हम देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब हम पार्ट को जॉइंट करते हैं तो उसमें सिलाई में जाएगा। चाहे आप फ्रंट ओपन बना रहे हों या ना बना रहे हों, तब भी आपको फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच की एक्स्ट्रा लाइन मार्क कर दी है। और अभी देखिए, 1/2 इंच हम लंबाई को भी एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। अभी सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमने शोल्डर नाप लेना है। शोल्डर नाप करके हमने आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करना है, और इस तरीके से देखिए 5.5 इंच पर आर्म होल की लाइन को हमने मार्क कर लेना है। चेस्ट की लाइन को भी मार्क कर लेंगे,
और जो ये गहराई देंगे हम 0.25 इंच पे देंगे, 0.75 इंच पे इस तरीके से गहराई दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये आर्म होल शेप का परफेक्ट तरीका है, हम मेरे अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पे देखिए हमने गले की चौड़ाई 3 इंच ली है, लंबाई हम 7 इंच लेंगे। आप तो अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा गला अच्छा लगता है सब्यसाची ब्लाउज में, आप 9 से 10 इंच तक इसका गला बना सकते हैं, पर हमने सिर्फ 7 इंच लिया है। और इस गले का हम देखिए इस तरीके से शेप दे देंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड लग रहा हो तो आप इसकी ब्रॉडनेस कम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे कम करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस समय जो गला ट्रेंड में चल रहा है वो थोड़ा सा ब्रॉड ही रहता है, अच्छा लगता है। और टक्स पॉइंट की लंबाई लेंगे 10 इंच पे, चेस्ट हमारी 9 इंच है तो हम 10 इंच पे टक्स पॉइंट की लंबाई लेंगे। टक्स की चौड़ाई 3.6 इंच लेंगे इस तरीके से, और इतना ही नाप करके हमने नीचे भी लेना है 3.6 इंच पर, ये देखिए। और इस लाइन को हम सीधा मार्क करेंगे। अब देखिए हम इस पर टक्स लगाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच की टक्स लगा लेते हैं जो गले की साइड लगती है इस तरीके से। अभी देखिए हम क्या करेंगे, नीचे की साइड की भी टक्स लगाएंगे। ये वाली टक्स हम 1-1 इंच करके लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, हमें कमर में मार्जिन रखना होगा, नहीं तो हमारा पार्ट छोटा हो जाएगा। तो हमारी कमर 7.5 इंच है, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का हम लेंगे। जितना मार्जिन आपने रखा है उतना आपको लेना है। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके हमने इस तरह से लाइन को मार्क कर लेना है, देख सकते हैं आप। अब जो हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया है वही 1 इंच टक्स हम दोनों साइड से 1 इंच लेके लगा देंगे। ये देखिए हमने जो लाइन मार्क करी लाइन से दोनों साइड 1-1 इंच ले लिया है। ये कमर की टक्स हो गई। अभी देखिए फ्रेंड्स अब हम टक्स की लंबाई लेंगे। टक्स की लंबाई हम कैसे लेते हैं, जितना भी आपका चेस्ट होता है आप उसमें 13 से उसको डिवाइड कर दें तो आपका आपकी टक्स की लंबाई आ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर देखिए 2.75 इंच आएगी, यानी 3 इंच में 0.25 इंच कम, 3 इंच में 2 लाइन कम, 2 पॉइंट कम। ये देखिए आप देख सकते हैं कि 3 इंच में हमारी 2 लाइन कम, इतनी लंबी हमारी टक्स की लंबाई आ रही है। तो इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे तो जो टक्स का शेप आएगा बहुत ही परफेक्ट आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम इस शेप को थोड़ा सा राउंड देते हुए ये टक्स वाली लाइन पर ला के मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड, बस थोड़ा सा समझना है आपको। और अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टक्स की चौड़ाई है ये देखिए यहाँ से 3.6 इंच, ये कटोरी का साइज है हमारा। तो फिर से हमने 3.6 इंच लेना है। तो इस तरह से हमारी कटोरी का साइज एकदम परफेक्ट आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3.6 + 3.6 इंच पर कटोरी का मार्क लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से शेप में इसको मिलाना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो कितना परफेक्ट शेप हमारा आ गया है इस तरीके से मार्क करने पे। और अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आर्म होल के पास की टक्स लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच अंदर लेते हुए इस तरीके का एक शेप और देना है, थोड़ा सा शेप परफेक्ट आना चाहिए। और यहाँ पे जो हम टक्स लगाएंगे वो 0.5 इंच की लगाएंगे, जैसे कि हम और ब्लाउज में लगाते हैं इसी तरह से यहाँ पे भी हम टक्स लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा राउंड शेप में लेते हुए, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आर्म होल के पास की भी टक्स लग गई। हमने 3 टक्स लगा लिए फ्रेंड। अब यहाँ पे आप 1 टक्स और लगा सकते हैं यहाँ की, पर हम इस वाली टक्स को लगाएंगे तो हमें अपनी लेंथ को छोटा बड़ा करना होगा। तो यहाँ की हम टक्स नहीं लगाएंगे, इस टक्स को हम नीचे कमर वाली टक्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई का लिया उसे यहाँ पे मिलाएंगे, और ये जो टक्स की हमने मार्किंग करी है ये यहाँ से इसको हम सीधा करेंगे, देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा। और फिर यहाँ से जब इस टक्स को इस तरह से मिलाएँगे तो ये जो हमने यहाँ की टक्स नहीं लगाई है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी यहाँ की टक्स। तो इस तरह का शेप आप अगर दे देंगे तो यहाँ पे माई चार कंप्लीट हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो ब्लाउज है फ्रंट से फोल्ड रहेगा, तो ये जो बेल्ट का मार्जिन है वो हम कट कर देंगे, और यहाँ का जो हमने शेप दिया उसे भी इस तरह से कट करेंगे, देख सकते हैं आप।
और अभी देखिए हम यहाँ से ये वाली टक्स क्लोज कर देंगे, ये बेल्ट की टक्स है तो हमने बेल्ट में टक्स नहीं रहती है इसलिए हम इस टक्स को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये वाला पार्ट लेंगे, इसमें हमारा मार्जिन रहेगा हाफ इंच का, जब इसे हम ज्वाइंट करेंगे उसमें जाएगा। और आप देख सकते हैं जो हमने टक्स लगाई है सारी टक्स हमने इसमें से हटा देनी है, ये वाली टक्स भी हम यहाँ कट कर लेंगे। और अभी देखिए हम गले के शेप को भी कट करेंगे, जो हमारा अंदर का शेप है उसी को कट करना है, शोल्डर डाउन को कट करेंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम ये पफ वाला पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने बात की टक्स की लाइन मार्क करी उसी को कट करना है, और इसे हम इस वाली लाइन पे रख के क्लोज कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे फ्रंट का पार्ट जो है वो तीन पार्ट में कटा हुआ है, तीनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सारे पार्ट को लाइनिंग पे रख के कट करेंगे। तो देखिए बेल्ट को हमने फोल्डेड साइड रखना है, क्योंकि फ्रंट का जो हमारा पार्ट रहेगा वो फोल्डेड रहेगा, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने देखिए बेल्ट को फोल्डेड साइड रख के एज इट इज पहले उतारना है, और यहाँ पे हम सिलाई का एक पर का मार्जिन ले लेंगे। बाकी जैसा हमारा ये वाला पार्ट है इसे हमने इसी तरह से मार्क उतार लेना है, यहाँ थोड़ा सा राउंड के पास भी हल्का सा उठाएंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गले वाले पार्ट को रखना है और इसे देखिए इस तरीके से उतार लेना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हाफ इंच मार्जिन का लेना है जो कि सिलाई में जाएगा, तो आपको इस तरीके से सारे मार्क को उतारना है। अब ये वाला पार्ट हम रखेंगे, इस वाले पार्ट को अगर आप इसमें स्लीव को कट करना चाह रहे हैं तो ये आप इसे यहाँ पे कट कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आपकी स्लीव निकल जाएगी। तो देखिए बहुत ही कम कपड़े में भी आप सभी सच्ची ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, पर जैसे ही आपकी लेंथ हो स्लीव की और ब्लाउज की उसी के अकॉर्डिंग कट करेगा। हमने 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग ली थी, उसमें हमारा पूरा पार्ट एकदम परफेक्ट आ गया है। और इस वाले पार्ट को देखिए हमने एजटीज उतारा है, यहाँ पे हमने इसे इस लाइन को सीधा कर दिया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे देख के समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अभी देखिए हमने हाफ इंच इसमें दोनों साइड मार्जिन लेना है, ये देखिए, तो इसमें हम हाफ इंच आगे की साइड थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, क्योंकि हमने गले वाले पार्ट में हाफ इंच मार्जिन का लिया तो इसमें भी हमें मार्जिन चाहिए आगे की साइड। और आप देख सकते हैं कि हमने सारे पार्ट को इस तरह से लाइनिंग पे उतार लिया है, और अब इसकी हम स्टिच कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से इस ब्लाउज में तीन पार्ट कट होता है फ्रंट के पार्ट में। अब देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है लाइनिंग पे। अब जो हमारे पास लाइनिंग बची हुई इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे स्लीव की लेंथ 8 इंच तैयार है, तो हमारी स्लीव इसमें हो जाएगी, तो हम कट करेंगे। इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड में करेंगे, जितना हमारा चेस्ट हो उतना आ जाए। देखिए हमारी चेस्ट 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच में इसको फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड में। थोड़ा सा कपड़ा कम है तो इसमें हम ज्वाइंट लगाएंगे। स्लीव की लेंथ 8 तैयार है, तो हमें 9 इंच पर कट करना है। अगर आपकी स्लीव की लेंथ इससे ज़्यादा आ रही है तो आपको लाइनिंग बढ़ा के लेनी होगी। और 3 इंच पर हमने डाउन का एक मार्क लगाना है। और अभी देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रखना है, जितना भी आपने अपना मार्जिन रखा हो, और यहाँ पे 1.5 इंच रखना है। अब इसके बाद हम स्लीव का शेप देंगे इस तरीके से, तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी स्लीव का परफेक्ट शेप आ जाएगा। यहाँ पे हम देखिए स्लीव का राउंड लेंगे, हमारे स्लीव राउंड 10 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5 इंच। मार्जिन यहाँ पे भी हम 2 इंच लेके इस तरह से कटिंग और फिटिंग दोनों की लाइन को मार्क करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स आप स्लीव का शेप इस तरीके से भी दे सकते हैं, पर आपको जो सही लगे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच की गहराई हमने देना है एक साइड, जब इसको हम खोलेंगे तो इसका गहराई को कट करेंगे जो कि सामने की साइड आएगी। और यहाँ से देखिए जो कपड़ा निकल रहा है ये इस जॉइंट में हम लगा देंगे, इतना ही जॉइंट हमने लगाना है। तो ये जो गहराई है हम जॉइंट लगाने के बाद कट करेंगे। तो स्लीव की कटिंग देखिए हमारी यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है, एक तैयार पर कट लगा लेना है और एक सेंटर पर कट लगा लेंगे। देख सकते हैं हमने सारे पार्ट को लाइनिंग पर कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम लाइनिंग वाले पार्ट को कपड़े पे रखकर कट करें। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और फोल्डेड साइड से हमने बैक पार्ट और बेल्ट वाले पार्ट को रख के कट कर लेना, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। इस तरीके से हमने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम देखिए सिलाई करेंगे फ्रेंड। तो हमने देखिए यहाँ पर कपड़े और लाइनिंग को एक साथ बैठा लिया, कपड़ा थोड़ा पतला वाला था इसीलिए हमने इसे पहले बैठा लिया फ्रेंड, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता।
तो सारे लाइनिंग वाले पार्ट को कपड़े के साथ बैठा के एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। बेल्ट को भी देखिए हमने बैठा लिया है, पर इसके साथ हमने एक बेल्ट और कट करी है इसे पलटने के लिए, क्योंकि कपड़ा हल्का है फ्रेंड्स थोड़ा सा। अगर आपके पास अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आपका फ्रंट ओपन रहता तो आप इसे इसी शेप में रहने देते, पर हम फ्रंट से फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हल्का सा हम शेप दे देंगे। और अब हम गले पे पेस्टिंग पेपर लगा के गले की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने पेस्टिंग पेपर ले लेना है और इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे देखिए गले को रखेंगे और गले के शेप में इसे मार्क कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हमने एक एक इंच का डिस्टेंस लेते हुए एक शेप और देना है और इस तरीके से हम इस पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे एक सेंटर पे और एक जहाँ पे हमारा गला है। अब हमने अपनी लाइनिंग लेनी, लाइनिंग पे इस पेस्टिंग पेपर वाले पार्ट को रखना है, जो शाइनिंग वाला पार्ट है उसे नीचे रखेंगे और इस तरीके से इसी शेप में कपड़े को कट करके किनारे से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पे राउंड है वहाँ पे कट लगा देंगे तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि इतने अच्छे से फोल्ड होता जा रहा है, बस थोड़ा सा राउंड के पास आपको कट लगाना है। और जो कपड़ा एक्स्ट्रा उसे हम कट कर देंगे पेस्टिंग पेपर के बराबर। अब इसे देखिए सेंटर से फोल्ड करेंगे और जो हमने गले का शेप दिया है उस शेप को कट कर लेंगे। हाफ इंच की पट्टी छोड़ेंगे फ्रेंड्स, इससे गला बैठाने में आसानी रहती है। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, पर हमने आपको थोड़ा सा बताने के लिए हाफ इंच की पट्टी छोड़ी है। जैसे अगर आपको कोई गला और बनाना हो तो आप इस तरह से पट्टी छोड़ देंगे तो आपका एक नाप मिल जाएगा, इस नाप के अकॉर्डिंग आप गले को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको हम कट कर देंगे। और अब देखिए इस पट्टी को हमने सीधी साइड से गले के ऊपर रखना है और एक पैर के मार्जिन पर हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और फिर इसको हमको फिनिशिंग के साथ पलट देना है। ऊपर से आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, आप चाहे तो प्रेस लगा लें, फिर भी ये गला बैठ जाएगा। तो जब भी आपका कपड़ा पतला वाला हो तो आप पेस्टिंग पेपर लगाकर जरूर गले को पलटिएगा, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। या फिर आप लैस लगाना चाहें तो लैस लगा के भी फिनिशिंग ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छी तरीके से दोनों गले को बना लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसमें हम पफ वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे, तो आपको देखिए इस तरीके से रख के देख लेना है ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो। और जो हमने मार्जिन लिया है उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग से हम ज्वाइंट करेंगे। मार्जिन का आपको विशेष करके ध्यान देना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों पार्ट एकदम कंप्लीट बराबर से आया है। सिलाई को डबल कर लेंगे और राउंड पे आप चाहे तो हल्का हल्का कट लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना परफेक्ट पफ आया है इस पार्ट में। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से बना लेना है। अभी देखिए फ्रेंड्स इसको उल्टी साइड से रखते हैं और देख लेते हैं, जितना आपने मार्जिन लिया उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है। अभी जो मार्जिन है जब हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे उसमें जाएगा तो हमारा पार्ट परफेक्ट आ जाएगा। गले की शेप पे हमने लैस लगा लेनी है। लैस थोड़ी चौड़ी वाली है फ्रेंड्स, तो जहाँ गले पे राउंड हो वहाँ पे हल्की हल्की प्लीट्स डालते हुए लैस को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हमने इसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दी है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। यदि फ्रेंड्स आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लैस को अच्छे से बैठा दिया है। लैस पे सिलाई को डबल कर लेंगे, दोनों पार्ट में हमने लैस लगा देनी है। अब देखिए नीचे से हम एक पट्टी लगाएंगे, जहाँ तक आपको गले को ओपन रखना है वहाँ तक आपको पट्टी लगानी है। इस तरीके से हमने लाइनिंग और कपड़े का पार्ट ले लेना है और सिल करके इस पार्ट को हम इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अच्छे से पलट करके हमने चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है और जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसे कट कर दें।
फिर देखिए हमने इस तरीके से इसे नीचे रखते हुए दोनों पार्ट को एक साथ रख के ज्वाइंट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है और पट्टी को पीछे से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी जो है उसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें अपना बेल्ट तैयार करना है। यहाँ पे हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बेल्ट तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, हमने एक, आप चाहे तो इसे इस तरह से सिल के पलट सकते हैं, पर अगर फ्रेंड्स आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लाइनिंग का पार्ट और लिया है, इसे इस तरह के तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइड से सिल के इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए पलट लिया है। अब हम इसे अपने पार्ट पे बैठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर पे हम एक मार्क लगा लेंगे और जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया था वो मार्क भी हम लगा लेंगे ताकि हमारा सिलाई करते समय पार्ट इक्वल आए। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमने मार्क को लगा लिया हाफ इंच के मार्जिन पे। और अभी अपना बेल्ट लेना है फ्रेंड्स। बेल्ट को अब हम इस पार्ट पे रखेंगे। कैसे रखेंगे देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका जो नोक वाला पार्ट है उसे सेंटर पे रखना है, यहाँ पे पिन लगा देनी है। तो इस तरीके से आप सिलेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका पार्ट सिला जाएगा। और मार्जिन जो हमने मार्क लगाया था उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम देखिए पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद इसी पे हम सिलाई चलाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सिलाई भी आसान हो जाएगी और आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज को बना पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार इस तरह से ट्राई करें, फिर धीरे धीरे आप बेल्ट को पलटने का भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा बेल्ट जो है एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें ज्वाइंट हो रहा है, कोई भी पार्ट कहीं से छोटा बड़ा नहीं आया है। तो आप अपना मार्जिन देखते हुए सिलाई को ज्वाइंट करें फ्रेंड्स, और सिलाई जैसे हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से करेंगे तो आपका भी पार्ट एकदम परफेक्ट आएगा। ज़्यादातर आपको अपने मार्जिन पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को ज्वाइंट कर दिया, हमारा बेल्ट एकदम परफेक्ट ज्वाइंट हो गया है। अब यहाँ पे जब हम इस वाली लेस को लगाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत हैवी दिखेगी, तो इस जगह पे हम पतली लेस लगाएंगे और कमर पे वाली लेस लगा लेंगे। तो लेस को हम लगा लेते हैं। देखिए जहाँ से हमने कटोरी को ज्वाइंट किया है ना, वहीं से हम वहीं पे हम लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे हमने इसे प्लीट्स डालते हुए कोना बना लेना है। तो इस तरीके से लेस लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अब हम कमर पे भी लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माई लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है। इसे देखिए सेंटर से मार्क करेंगे और देखिए डबल फोल्ड करके दोनों को बराबर से रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका दोनों पार्ट एकदम परफेक्ट आया है, कहीं से कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं आया है। तो आप इस तरह से फोल्ड करके इस पर फिटिंग की मार्किंग भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हम इस पर फिटिंग की मार्किंग कैसे कर रहे हैं। तो कमर फ्रेंड्स हमारे 7.5 इंच है, तो हमें 7.5 इंच पर मार्क लगाना है। चेस्ट 8.5 इंच पर हमने कट की थी, 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये देखिए तो जो हमने मार्जिन रखा था फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट हमारा मार्जिन आ रहा है। हमारा पार्ट एकदम परफेक्ट बन के कम्प्लीट हुआ है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आई हो। अगर वीडियो समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।